यूं तो साउथ एशिया शांत रहता है, लेकिन जो आज की घटना घटी बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरीके से उन्होंने देश छोड़ा और उनके छोड़ने के बाद जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी जो कह तो रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जिस जो फुटेज दिख रहे हैं वो नहीं लगता कि छात्रों का आंदोलन था, एक सोची साजिश हो सकती है उसके पीछे। जो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज किया गया बांग्लादेश को, जो पिछले 15 साल से आर्थिक विकास की राह पर था, जिससे हमारे एक अच्छे संबंध थे भारत के साथ। अभी हाल में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही थी, बांग्लादेश उत्सुक इस बात को लेकर था कि हम दोनों मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। सो ट्रेड प्रोसेस आगे जा रहा था, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस हम दोनों देश आगे कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही थी, हमने ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज की, वो सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश भारत का बहुत ही अहम पड़ोसी देश है, उसके सृजन में भारत का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रोल रहा है। और यही कारण है कि कुछ देशों को, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, उसको नहीं अच्छा लगता है। चीन की बात करें, चीन चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में आए, BRI का जो पार्टनर बना, हिंदुस्तान के साथ उसके संबंध न रहें, संवाद न रहें। लेकिन शेख हसीना के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से भारत के साथ संबंध विकसित हुए, तो हम निश्चिंत थे हमारी जो 5 राज्यों के साथ जो हमारी सीमाएं मिलती बांग्लादेश के साथ, और जो जिस तरीके से ये जो कुछ इश्यूज हैं बांग्लादेश के साथ, जैसे इलीगल माइग्रेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उसमें जब दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहयोग मिलता है। और ये भारत के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसका अपने एक स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा। हम डायरेक्ट 5 राज्यों से सीमा है और अराउंड 4000 किलोमीटर्स जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और बांग्लादेश के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस तरीके की जब विकास की बातें चल रही हैं और अचानक इस तरह की जो घटना होती हैं, और वहाँ पर आज मिलिट्री ने अपने हाथों पर देश को कमान ली और अंतरिम सरकार में, फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश का क्या डायनेमिक्स चलेगा ये जो सिचुएशंस हुई है।